हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 21 और 22 अगस्त का करंट अफेयर हम आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बता दें कि अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत लंबा होता है और आप इसे जल्दी देखना चाहते हैं तो दोस्तों यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है स्पीड इंक्रीज करने का। आप वीडियो को स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, आई थिंक वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा और इसके अलावा दोस्तों आपके टाइम की भी बचत होगी। दोस्तों, ये हमारी 214वीं क्लास है। अगर आपको एमपीजी के और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस वैज्ञानिक को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर के थंगराज। हाल ही में के थंगराज को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान की गई है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी सीसीएमबी के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर के थंगराज को जेसी बोस फेलोशिप प्रदान की गई है। उन्हें यह फेलोशिप जनसंख्या और मेडिकल जीनोमिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस जेसी बोस फेलोशिप की। तो आपको बता दें, यह उस वैज्ञानिक को दी जाती है जो साइंस और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और तकनीकी विभाग में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व मानवता दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 19 अगस्त। हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। दोस्तों, 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए अपनी जान भी लगा देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व मानवता दिवस की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, 2019 में जो थीम रही है विश्व मानवता दिवस की, तो ये रही है वुमन ह्यूमिनिटेरियंस। ये 2019 में विश्व मानवता दिवस की थीम रही है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, 19 अगस्त को ही प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोकॉपी दिवस 19 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है यूएई। हाल ही में यूएई के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द जायद मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, श्री मोदी को यह सम्मान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए और किए गए योगदान के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, ऑर्डर ऑफ जायद के बारे में, तो ये वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर दिया जाता है, तो आपको इतना याद रखना है। दोस्तों, अब बात आई है यूएई की, तो आपको मैप में यूएई के बारे में, दोस्तों मैप में ये जगह यूएई को दर्शाती है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ये सभी हैं। हाल ही में मेजबान पटेल, रामवीर सिंह खोकर और संजय भारद्वाज, इन तीनों को द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, मेजबान पटेल, इन्हें हाल ही में हॉकी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। रामवीर सिंह खोकर, इन्हें कबड्डी में, और संजय भारद्वाज, इन्हें क्रिकेट के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें ये तीनों के नाम भी प्रस्तावित किए गए, इनके अलावा बहुत से खिलाड़ियों के नाम भी इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, किसी दिन मैं आपको इसका एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम
आजाद ट्रॉफी के विजेताओं की लिस्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड, इन सभी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? जिसका सही ऑप्शन है गुजरात में। गुजरात में देश के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, इसका उद्देश्य रसायन उद्योग को बढ़ावा देना है। इसकी घोषणा राज्य रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, तो इतना याद रखना है। अब बात आई है गुजरात की, तो आपको मैप में गुजरात के बारे में, मैप में ये जगह गुजरात को दर्शाती है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगीतकार का निधन हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है जहूर खयाम हाशमी। हाल ही में जहूर खयाम हाशमी जो एक संगीतकार थे, इनका निधन हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा ये एक क्रांतिकारी भी थे। आपको बता दें इनकी उम्र 92 वर्ष थी। इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोगों ने भी शोक प्रकट किया है। दोस्तों, 3 फिल्मफेयर अवार्ड इनके नाम किए जा चुके हैं। तो आपको याद रखना है मशहूर संगीतकार हजूर खयाम हाशमी का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की। इसमें हम आपको 6 से 7 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। ये दोस्तों आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में डायमंड पार्क का विकास किया जाएगा? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है पन्ना में। पन्ना जिले में डायमंड पार्क का विकास किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में आपको बता दें इसके अलावा पन्ना के पास ही खजुराहो है, जहां पर डायमंड म्यूजियम भी बनाया जाएगा। खनिज सचिव नरेंद्र सिंह परमार ने बताया है कि जो डायमंड पार्क की स्थापना है वह पन्ना में की जाएगी। इससे वहां के लोगों को रोजगार के अलावा विकास के नए साधन भी खोले जाएंगे और इसी के साथ खजुराहो में भी डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा। अब दोस्तों बात आई है पन्ना की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पन्ना के बारे में बता दें। विंध्य श्रृंखलाओं में स्थित है पन्ना। पांडव जलप्रपात, बृहस्पति कुंड, गंगाऊ अभ्यारण्य पन्ना जिले में ही स्थित है। देश का एकमात्र हीरा शहर के नाम से जाना जाता है पन्ना जिले को। 13वीं शताब्दी तक गौण बस्ती बुंदेला राजपूत राजा छत्रसाल की नगरी के नाम से पन्ना को जाना जाता है। पुराना औद्योगिक केंद्र स्थित है पन्ना में। प्रगामी संप्रदाय का केंद्र ताजमहल आकृति मंदिर भी पन्ना में ही स्थित है। दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी पन्ना जिले में ही स्थित है। पद्मावती देवी मंदिर, बलदेव जी मंदिर, ये सभी पन्ना में ही स्थित है। तो दोस्तों, इतना आपको पन्ना के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? जिसका सही ऑप्शन है बाबूलाल गौर। हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन हुआ है। दोस्तों, ये 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। दोस्तों, गौर मध्य प्रदेश के ऐसे पहले नेता हैं जो 10 बार किसी एक विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। आपको एक बार फिर बता दें, ये मध्य प्रदेश के एकमात्र नेता हैं जो किसी सीट पर 10 बार चुनाव जीते हैं और विधानसभा पहुंचे हैं। दोस्तों, 1974 से 2013 तक भोपाल के दक्षिण और गोविंदपुरा सीट से लगातार विधायक रहे हैं बाबूलाल गौर, और इनका 89 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2004 से 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उमा भारती जी ने अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद बाबूलाल गौर चुने गए थे मुख्यमंत्री, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था मध्य प्रदेश में। तो ये एक दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। मिलावटखोरों की शिकायतों के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी सेवा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डायल 104।
डायल 104 सेवा मिलावटखोरों की शिकायतों के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। दोस्तों मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश सरकार अभियान चलाई जा रही है। दोस्तों ऐसे लोगों की शिकायत के लिए डायल 104 सेवा शुरू की गई है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया है कि इस टोल फ्री नंबर पर लोग दूषित दूध और मावे के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों से मिलावट की जाने वाली शिकायतें भी कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों की शिकायतों के लिए डायल 104 सेवा लॉन्च की गई है। ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मध्य प्रदेश एकमात्र शहर है या मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जहां पर ये व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गृह ज्योति योजना की मंजूरी प्राप्त हुई है? जिसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में हाल ही में इंदिरा गृह ज्योति योजना की मंजूरी प्राप्त हुई है। दोस्तों इस योजना के चलते जो मध्य प्रदेश में बिजली है उसका बिल जो आता है वह फिक्स्ड किया गया है। जैसे कि आपको बता दें 70 यूनिट खर्च होने पर आपका 100 रुपये बिल आएगा, 100 यूनिट खर्च होने पर 100 रुपये बिल आएगा। अगर आप 125 यूनिट खर्च करते हैं, आपकी महीने भर में 125 यूनिट की खपत होती है तो 243 रुपए बिल आएगा। अगर 150 यूनिट की खपत होती है महीने भर में तो 385 रुपए बिल आएगा। दोस्तों इसे फिक्स किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और ये योजना है इंदिरा गृह ज्योति योजना। अब दोस्तों बात करें, अगर 200 यूनिट बिल आता है तो आपका सीधा 385 से 1501 रुपए तक बिल पहुंच जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 150 यानी 150 यूनिट तक बिजली की खपत आपको महीने भर में करनी है। तो ये दोस्तों योजना मध्य प्रदेश में लाई गई है और इस योजना का नाम है इंदिरा गृह ज्योति योजना। दोस्तों ये एक इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन, बीहड़ अनुसंधान केंद्र किस जिले में बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है मुरैना। मुरैना जिले में बीहड़ अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। दोस्तों बीहड़ अनुसंधान केंद्र ऐसा है जो मुरैना में स्थित है। इसे ICRAF, जिसे हम इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड एग्रो फॉरेस्ट्री नोरेवी केन्या के नाम से जानते हैं, इसके सहयोग के द्वारा मुरैना जिले में बीहड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। दोस्तों अब इस केंद्र के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसे रोका जाएगा, भूमि की उर्वरकता बढ़ाई जाएगी। दोस्तों लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी, चारा, पशु चारा आदि की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मुरैना और भिंड में बहुत ही ज्यादा जो है चंबल नदी के आसपास की जमीन में रेत अधिक और कार्बनिक तत्वों की कमी होने के कारण यहाँ की मिट्टी फुरफुरी होती है, जिसके कारण पानी धरती के अंदर सीधे चले जाता है और इसके बाद धरती में अंदर ही अंदर कटाव हो जाता है। और इस कटाव को रोकने के लिए बीहड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुरैना जिले में की गई है। अब दोस्तों बात आई है मुरैना की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मुरैना के बारे में बता दें। मुरैना जिले का नाम मोर वैना, इसका मतलब होता है दोस्तों मोर पक्षी की बहुतायत के कारण मुरैना रखा गया है। चंबल, क्वारी, असन जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। सहोनिया में सास बहू के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुशवाहों की राजधानी और कीर्ति राज के द्वारा सरोहनिया में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था जो वर्तमान में मुरैना में ही स्थित है। नागाजी का मेला मुरैना में ही लगता है। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना जिले में ही बनाया गया था। खिली राज की गुफाएं मुरैना में ही स्थित हैं। चंबल राष्ट्रीय उद्यान, घड़ियाल अभयारण्य ये मुरैना में ही स्थित हैं। दोस्तों पहाड़गढ़ में प्रौद्योगिक काल की 86 गुफाएं मौजूद हैं। तो इतना आपको मुरैना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निगम भोपाल में स्थित नहीं है? जिसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश वित्त निगम। मध्य प्रदेश वित्त निगम भोपाल में स्थित नहीं है। इसके अलावा ये तीनों निगम भोपाल में स्थित हैं, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और राज्य उद्योग निगम। दोस्तों ये सभी भोपाल में ही स्थित हैं।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश वित्त निगम के बारे में, तो मध्य प्रदेश वित्त निगम ये इंदौर जिले में स्थित है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुशिक्षा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस डे की, तो आपको बता दें उज्ज्वला योजना में किस जिले ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कनेक्शन दिए हैं? जिसका सही ऑप्शन था सागर जिले ने, सागर जिले ने उज्ज्वला योजना में सबसे ज्यादा कनेक्शन दिए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर, आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, हम कल आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।